गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मास क्लियरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट पैरासिटॉइड्स। ओके, नाउ दिस इज ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। व्हाट इज ट्राइकोग्रामा स्पीसीज? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। इट इज़ एन एग पैरासिटॉइड, 200 होस्ट। पहली बात, ही एग पैरासिटॉइड है कि एग पे एग के अंदर रह के एग पे फीड करता है। इट इज़ एन एग पैरासिटॉइड, 200 होस्ट इन 70 फैमिलीज इन। सो 200 होस्ट इन 70 फैमिलीज एंड 8 ऑर्डर्स। ठीक है, 200 होस्ट होस्ट इसके, तो इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ होस्ट, सो दैट इज़ 200 एंड इन द फैमिलीज आर 70 एंड ऑर्डर्स आर 8। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है, एक एग पैरासिटॉइड है भाई, एग के अंदर बैठ का है, उसने खा जाए, एग के अंदर पैरासाइट बन जाए एक टाइप का, समझ लो। ठीक है, इसके अंदर 200 होस्ट है, तो बढ़िया है। मोस्ट मास रियर्ड इंसेक्ट है एंड मोस्ट रिसर्च नेचुरल एनिमी है। ठीक है, मास रियर्ड इंसेक्ट है, सबसे ज़्यादा इसको आप रियरिंग करते हैं और इस पे ही रिसर्च करते हैं एंड मोस्ट रिसर्च। इसके ऊपर भी रिसर्च सबसे ज़्यादा इसी पे चलती है क्योंकि यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, साइज़ इसका बहुत स्मॉल है, 0.3 to 0.7 mm। देखो साइज़ देख लो, 3 to 0.7 mm तक है। लाइफ साइकिल 7 to 8 दिन में बड़ा कंप्लीट कर लेता है, जो हफ्ते के अंदर इसी लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है सभी है। इतनी जल्दी आप इसको इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मेल्स हैव हेयरी एंटीना। अब इसके एंटीना देखो, मेल हेयरी है और जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स हैव एंटीना विद लार्ज सेगमेंट। अब जो फीमेल होगी उसका लार्ज सेगमेंट है, जो इसका एंटीना है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, एनलार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद ये है लाइफ साइकिल ट्राइकोग्रामा की। जैसे देखो, फीमेल ने क्या करती, सबसे पहले अंदर एग ले करती है होस्ट के अंदर, फिर अंदर ही अंदर लार्वा डेवलप होता है। ठीक है, फिर प्यूपेशन भी अंदर ही होता है। अब इसका होस्ट है ना, वो होस्ट एग होस्ट है, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से होल करके एडल्ट बाहर निकल जाते हैं। ये ट्राइकोग्रामा है। इसकी स्पीसीज़ अलग अलग इंडिया में मिलती है, कौन कौन सी है? 26 है वैसे तो इंडिया में रिपोर्ट होते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है? ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस में क्या है, ये थोड़ा चील है, चील है मतलब लाइट कलर है। ठीक है, तो लॉन्ग ओविपोजिशन पीरियड है इसका, तो ये थोड़ा अंडे देने में थोड़ा टाइम लेती है ना। ठीक है, और जो ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम है ये डार्क कलर्ड है। ठीक है, जैपोनिकम मतलब जैपनीज़ है, तो ये थोड़ी डार्क है, शॉर्ट लॉन्गेविटी है, जल्दी ही मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते होंगे ये, और लॉन्ग ओविपोजिटर है, अंडे ये थोड़े अंदर तक दे देते हैं, ओविपोजिटर है तो इनका लंबा है। ठीक है, तो चिल है वो, तो लाइट कलर है, चिल है, थोड़े लाइट मूड है उनका, लाइट रहते हैं और थोड़ा आराम से चिल रह के वो ओविपोजिशन भी उनका पीरियड भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। और जैपोनिकम है, जो जापानीज़ है जो, वो थोड़े डार्क है, वो लाइट नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट लॉन्गेविटी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं यार ये। ठीक है, चिल नहीं है, है ना, जापान वाले फटाफट करते सब कुछ, शॉर्ट लॉन्गेविटी एंड लॉन्ग ओविपोजिटिव लॉन्ग है कि जल्दी जल्दी अंदर एग लेगी कर सके। एक है ट्राइकोग्रामा एची। ठीक है, एक अच्छे लगा लो, ट्राइकोग्रामा अच्छे ही है, ACHAEA अच्छे। एक है ट्राइकोग्रामा सैम्बिलिडिस। ठीक है, सैम्बिलिडिस कैसे याद रखोगे? एक तो अच्छी देखो, एक तो चिल है, एक जापनीज़ है, एक अच्छे है, एक सैम्बिलिडिस है। ठीक है, मतलब सेमेस्टर में बिल्ली कोई डिश खाती होगी, सैम्बिलिडिस। ठीक है, बिल्ली की डिश है स्पेशल। तो इसके बाद ये कहता है कि ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम है, उससे आया ट्राइकोग्रामा इवेंसेंस, उसके बाद है ट्राइकोग्रामा इवेंसेंस माइन्यूटम, उसके बाद है ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम, उसके बाद कन्फ्यूजम, ट्राइकोग्रामा कन्फ्यूजम, उसके बाद ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ठीक है, तो माइन्यूट से स्टार्ट होके चिलोनिस, मतलब चिल लास्ट में ऐसे स्टेज पर जाती है, वो चिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है लेबोरेटरी होस्ट ऑफ ट्राइकोग्रामा। देखो, अपने ट्राइकोग्रामा की रियरिंग करनी है तो उनके लिए कोई होस्ट भी चाहिए इन्हें। ठीक है, जैसे कोई स्टोर्ड ग्रीन इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कोर्साइरस फैलोनिका है, ठीक है, कोर्साइरस फैलोनिका, फिर सीटोट्रोगा सीरियला, फिर अंगस्टा कुनिला। ठीक है, कुनिला, तो कोर्साइरा सिफेलोनिका, ठीक है, कोर्स
ये तो कोर्स आयरा, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मतलब शॉर्ट स्टोर्ड ग्रेन में सबसे पहले कोर्स का कोर्स आयरा है, फिर सीटोट्रोगा है, ये सिगरेट बीटल होगा, देख लेगा ठीक है, फिर अंगस्ता है, क्यूनिला ठीक है। तो पहले तो कोर्स ग्रेन है, थोड़ा कोर्स होगा उस पर करेंगे, एक सीटोट्रोगा सीट होगी, सीट बनी होगी ठीक है, एक अंगस्ता क्यूनिला है, उसके बाद आते हैं सिल्क वॉर्म्स ठीक है। तो नीला सीरियल, सीरियल जो देखो सीरियला है, एक कोर्स आयरा है सिफाइलोनिका, तो कोर्स सिफाइलोनिका मतलब सी प्लेनिया कोर्स ग्रेन है, फिर सीरियल है ग्रेन है, एक सीरियल है एक क्यूनिला है, तो उसका नीला रंग है, तो सीरियल है कोर्स, कोर्स है सीरियल है और क्यूनिला है। सिल्क वॉर्म्स में देख लो, एक एंथेरिया पेरिनी है, एक सामिया सिंथिया है ना, एंथेरिया पेरिनी देखो, एंथर्स एंथेरिया पेरिनी, सिल्कों में उसका एंथर है, एंथेरिया पैर नहीं है ना, एंथर तो है लेकिन पैर नहीं है, पैर नहीं ठीक है। एक सामिया साइंथिया ठीक है, सामिया मतलब इसने साम के रख रखे है सब कुछ है ना, और साइंथिया मतलब साम के रखे हुए हैं, कि साइन तो थे आप क्योंकि साम के रख रखे हैं, हरियाणवी में कहते हैं ना साम के रख लिए वही चीज़ ने, तो सामिया साइंथिया कि साइन थे साम के रख रखे हैं, सामिया साइंथिया, और दूसरा एंथेरिया पैर ही नहीं, तो एंथर भी है उसके पैर नहीं है लेकिन, और एक साम के रखे है सामिया और साइंथिया, साम के रखे हुए साइन थे दबी साम के रखे हैं ठीक है। उसके बाद है टोमेटो फ्रूट बोरर ठीक है, हेलियोथिस जी, हेलियोथिस जी ठीक है, टोमेटो फ्रूट बोरर, अब टोमेटो फ्रूट के अंदर जो बोर करता है वही है ठीक है, हेलियोथा हेलियोथिस हेलो दिस जी, कौन बोर कर रहा है, हेलो दिस इज जी ओके, हेलो दिस इज जी हेलियोथिस जी। उसके बाद देखो प्रोसीजर फॉर राइस मोथ रियरिंग है, क्यों भाई यार सीधी बात है, राइस मोथ को रियर करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये अपने एग देंगे है ना, तो मतलब पहले राइस के मोथ हैं उनको भी रियरिंग करना पड़ता है, वो खाने का काम करेगा इसका, देखा हमने पढ़ा है ना लेबोरेटरी होस्ट कौन कौन से है, ये कोर्साइरा सीटोट्रोगा इनमें कोई होगा यार, राइस मोथ भी ठीक है, तो राइस मोथ को करना पड़ता है रियर। अब मीडिया प्रिपरेशन एंड इनोकुलेशन, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं, जैसे पहले मीडिया बनाएंगे हम, देखो यार राइस मोथ है उसको, इसके लिए कोई मीडिया बनाएंगे, राइस मोथ क्या खाएगा, ऑब्वियसली फ्रेश ग्रेन खाएगा, वो सोरगम बाजरा है मेज के, क्या करो आप ले लो पहले तो फ्रेश ग्रेन्स ले लो, ले लिए उसको क्रश कर दो तीन चार पीसीज में, मतलब ग्राइंड कर दो, सिंपल बात है तोड़ोगे गिन के थोड़ी नहीं तोड़ोगे, उनको ग्राइंड कर दो या फिर क्रश ग्रेन्स इन 3-4 पीसीज, ग्राइंड कर दिए, अब यार उसमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ वो स्टरलाइज करना पड़ेगा उनको, ग्रेन्स को ओवन में स्टरलाइज कर दो, कैसे करोगे भाई आपके पास 8 घंटे हैं, सुबह रख देना ठीक है, शाम को निकाल लेना ठीक है, 8 घंटे के लिए 80°C पे रखो और रोस्ट इट फॉर 15 मिनट, या अगर आपको खाली बैठे हो फिर तो आप 15 मिनट के लिए रोस्ट ही कर दो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह लैब में रख के शाम को निकाल लो 8 घंटे के लिए 80°C पे ठीक है, चलो निकाल लेते हो आप, मान लो 15 मिनट में निकाल लेते हो। उसके बाद क्या करना है, 4-3 kg ऑफ ग्रेन्स इन ईच टब, अलग अलग टब ले लो, हर एक में 3-3 किलो डाल लो, उसके अंदर क्या करना है 100 ग्राम करनेल पाउडर डालना है और 5 ग्राम डालना है ईस्ट पाउडर, तो भाई साहब 3 किलो 105 ग्राम का सामान हो गया ठीक है, 3 किलो तो ग्रेन्स डाल लिया, 100 ग्राम करनेल पाउडर डालना है ठीक है, करनेल्स का जो पाउडर है वो भी बना डाल दो और 5 ग्राम ईस्ट भी डालना है ठीक है, चलो जी डाल लिया। उसके बाद स्प्रे ग्रेन्स विद 0.1% फॉर्मलिन और 0.05% स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट टू चेक माइक्रोबियल पैथोजेंस, अब देखो उसके ऊपर क्या है, अपन इतने बढ़िया बना के खाना करके तो माइक्रोबियल पैथोजेंस पे आएंगे आएंगे ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो उसको लिए आप फॉर्मलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है SS F, पहले तो F डालो फॉर्मलिन जो ठीक है, फॉर्मलिन 0.1%, फिर उसके बाद 0.05 स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, तो देखो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो 0.05 SS स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट डाल दो ठीक है,
तो एफ डालना है पहले तो 0.1%, फिर 0.05% डालना है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। अब ऐड 5 ग्राम सल्फर वेटेबल पाउडर टू प्रिवेंट स्टोरेज माइट। अब देखो यार ये भी डाल लिया अपने माइक्रोबियल को रोकने के लिए, लेकिन स्टोरेज माइट आ जाती है, माइट को यह स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई असर नहीं पड़ता होगा, तो वो बात क्या करती है, उसके लिए अगर आप 5 ग्राम डालो सल्फर वेटेबल पाउडर पर टब के हिसाब से, ठीक है 5 ग्राम ये भी डाल दिया भाई साहब, ठीक है तो 3 किलो 110 ग्राम हो गया सामान, ठीक है 5 ग्राम क्या डाला है स्टोरेज सल्फर डाला है, ठीक है। अब क्या करो उसके बाद, अब देखो खाना तैयार है, फिर इन्फेस्ट ट्यूब्स विद 1 cc ऑफ राइस मोथ एग्स पर टब। अब एग भी डालने हैं राइस मोथ के, पाड़ने तो भाई राइस मोथ ही है, उसके एग्स डाल दो, कितने एग्स डालोगे, सीधी सी बात है कि 1 cc डालो एक टब के हिसाब से, कवर टब्स उसके बाद यार वो बड़े हो गए उड़ जाएंगे नहीं तो उसको कवर भी करना पड़ेगा, कवर टब्स विद मार्किन क्लोथ है कोई, उस पर समझो मार्क हो सकता है ऐसा कोई क्लोथ है, इस पर मार्क कर सकते हो आप मार्किन क्लोथ सिक्योरिंग विद ट्विन एंड कीप इन स्टील रैक्स। भाई साहब उसको बांध लो सीधी बात ये, और रैक्स में रख दो, ठीक है तो आपने सारा सामान तैयार कर लिया, मीडिया प्रिपरेशन कर दिया, उसमें इनोकुलेशन भी डाल दिया आपने, इनोकुलेशन कितना डाला है 1 cc डाला है, ठीक है तो क्या करना है आपको, उस बाजरा का लिया सामान लिया ग्रेन्स ली उसको क्रश करके उसको स्टरलाइज कर दो, साफ़ सुथरा कर दो, स्टरलाइज कैसे करना है 15 मिनट करो या 8 घंटे के लिए करो, उसके बाद उसमें 3 किलो वो डाल दो, अब आपको 3 किलो 110 ग्राम सामान करना है तो 3 किलो तो राइस डाल दिए, फिर 100 ग्राम डाल दिए कर्नेल पाउडर, ठीक है उसका जो छिलका है कोई भी कर्नल है मतलब गिरी है यूँ लगा लो उस कर्नल पाउडर है उसका डाल दिया, और 5 ग्राम डालने आपको ऊपर से ईस्ट डाल देना है, ठीक है फिर उसको पहले ट्रीट करके उस पर स्प्रे करके, किस चीज़ का स्प्रे करना है वही, एक तो एफ़ का एक एसएस का, एफ़ का क्या है 0.1% स्ट्रेप्टो फॉर्मलिन, और एसएस क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, उसका 0.05% करना है, ठीक है। इससे क्या होगा माइक्रोबियल पैथोजेंस चेक हो जाएंगे, अब माइक्रोबियल पैथोजेंस तो जो छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रोब्स हैं उसका तो ग्रोथ हो जाए, लेकिन माइट आ सकती है, माइट के लिए अगर आप ये सल्फर डाल दो, ठीक है 5 ग्राम सल्फर वेटेबल पाउडर डाल दो, ठीक है सल्फर डाल दो, फिर बाद में बस मीडिया तैयार है तो आप 1 cc वो डाल के उसको मार्किन क्लोथ से कवर कर दो, ठीक है और बांध के उसको स्टील रैक्स में रख दो, उसके बाद करते हैं अब क्या करते हैं मोथ्स एंड एग कलेक्शन। देखो आपने सब प्रिपेयर कर दिया मोथ्स और द एग्स आपने डाले थे, एग्स हैच इन 3 to 4 days, ठीक है 3-4 दिन में वो हैचिंग हो जाएगी, क्योंकि एंड फीड ऑन मीडियम बाय कंस्ट्रक्टिंग मैप्स, वहाँ पे जाड़ा बना के सोचे वो सोच रहे होंगे कि ये कहीं खाना लॉस ना हो जाए, तो वो जाड़ा बना देंगे वहाँ पे वेब कंस्ट्रक्ट करके वो हैचिंग कर देंगे एग की 3-4 दिन में। मोथ एमरजेंस स्टार्ट्स ऑन 40th day, अब 40 दिन में क्या होगा मोथ एमर्ज करेगा है ना, एंड कंटिन्यूस फॉर 90 डेज, तो मोथ एमरजेंस स्टार्ट्स ऑन 40th day एंड कंटिन्यूस फॉर 90 डेज, ठीक है तो मोथ एमर्ज हो जाएगा 40th day पे। देखो यार पहले एग हैचिंग होगी, ठीक है लेकिन मोथ है ना, मोथ तो 40th day पे निकलेगा, एमरजेंस स्टार्ट हो जाएंगे, कोई पहले निकल जाए कोई लेट निकल जाए वो बात है, 40 से 90 दिन तक मतलब मोथ की एमरजेंस हो जाएगी। अब कलेक्ट मोथ्स इनसाइड ए मॉस्किटो नेट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन ट्यूब्स इन मॉर्निंग आवर्स, तो जब सुबह सुबह बेचारे सो रहे होंगे ना आप क्या करो मॉस्किटो नेट के अंदर कलेक्ट कर लो मोथ्स को, ठीक है और ट्रांसफर मोथ्स इन ओवी पोजिशन केज। अब आपको क्या करना है आपको अंडे दिलवाने हैं इसके, ठीक है जहाँ पर वो अंडे दे इसके, ठीक है तो आप क्या करो ओवी पोजिशन केज में डाल दो उनको, ठीक है उसमें क्या करो उनको खाना देना है, प्रोवाइड एडल्ट्स विद 50% हनी सॉल्यूशन विद विटामिन ई कैप्सूल्स, ठीक है 1 capsule per 20 ml ओ 50% हनी, जैसे 50% हनी डालना है, ठीक है 20 ml का एक डालो उसके साथ एक कैप्सूल डाल दो विटामिन ई का, ठीक है तो विटामिन ई डाल दो, ठीक है ई, ठीक है तो 50% हनी प्लस विटामिन ई का कैप्सूल डाल दो, तो एग्स आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली फॉर 4 days, फिर वो एग ले करते रहेंगे भाई साहब फटाफट एग ले करेंगे वो, आप निकालते रहना 4 दिन तक लगातार, फिर क्लीन एग्स बाय पासिंग थ्रू 15, 30 and 40 mesh इन सीव्स। अब देखो पहले में तो क्या था और कुछ गंद भी हो वो भी छानना पड़ जाता है, तो 15 गया फिर 30 का और 40 mesh पर इंच के हिसाब से, ठीक है वो सीविंग करो आप छानो उनको,
बाद में क्या करो, 100 पेयर्स ऑफ मोथ प्रोड्यूस, अब तो ये कैलकुलेशन है थोड़ी, कि जो 100 पेयर्स ऑफ मोथ के वो क्या करेंगे, 1.5 CCX प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक CCX में होते हैं 18,000 अंडे ड्यूरिंग एग लेइंग पीरियड फॉर ऑफ 4 डेज, ठीक है। मान लिया आपने 100 जोड़े रखे थे मोथ के, है ना, वो 1.5 कर देंगे CCX, एक एग हो गया 80,000, मतलब 18,000, ठीक है, मतलब 18 और 9 कितना हो गया, 27,000 हो गया। तो 27,000 अंडे वो कर देंगे 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 2500 मोथ्स एमर्ज फ्रॉम वन टब दस प्रोड्यूसिंग 1800 से 20 CC ऑफ एग्स, लेकिन एक टब है ना उससे 2500 मोथ निकलते हैं एक टब से, ठीक है। तो एक टब से 2500 मोथ सोच लो, फिर आप 100 से कितने निकलते हैं, तो 2500 से इतने हैं, 2500 से ये कह रहे हैं 18 से 20 CC एग्स प्रोड्यूस होंगे, 18 से 20 CC, ठीक है। तो आप CC में याद रखो, 18,000 नंबर छोड़ो, ठीक है, मतलब एक 100 मोथ तो एक CC कर देंगे, मतलब ठीक है 100 से डिवाइड कर देना, तो 2500 पेयर्स हैं वो, ठीक है, 100 पेयर्स और 2500 18 से 20 CCX प्रोड्यूस कर देंगे। डिस्कार्ड टब्स अप टू 90 डेज और वैन द मोथ एमरजेंस पर ड्यूब इज लेस देन 10। तो ये पता है आपको यार कि मोथ एमरजेंस 90 डेज तक होंगे, है ना, उसके बाद क्या फ़ायदा, वो टब टूब तो हटा दो, आपको मोथ तो मिल ही गई, है ना, वो प्रोसीजर तो ख़त्म करो आप, ठीक है। और या फिर अगर आपको यूँ लग रहा अभी भी आ रहे हैं, तो 10 से कम ज़्यादा कम मौत मिलने चाहिए तो उस दिन बंद कर दो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन राइस मौत की रेयरिंग। देख लो, आपने राइस मौत की रेयरिंग कर ली तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, है ना, जैसे लार्वल पैरासिटोइड एक ब्रैकोन हिबिटर है, ठीक है, उसके बारे में, एक लार्वल पैरासिटोइड है ये, क्या कर तो क्या करो, कवर विंडोज़ एंड अदर ओपनिंग्स विद वायर मैश, सेटअप लाइट ट्रैप। तो ये क्या करता है, एक लार्वल पैरासिटोइड है जो कि इम्पैक्ट करता है अपने को, ठीक है, तो उसमें ब्रैकोन हिबिटर है जिसका नाम, तो अब इसको प्रिवेंट करने के क्या करो, विंडोज़ को कवर कर दो और ओपनिंग्स को वायर मैश के थ्रू, और अंदर लाइट ट्रैप भी रखो ओवर ए येलो पैन विद वाटर, ठीक है, और स्प्रेइंग ऑफ मैलाथियन 0.1%, आपको दिखे तो आ रहे हैं तो मैलाथियन का स्प्रे भी कर सकते हो, और डिस्ट्रॉय कल्चर इन केस ऑफ सीवियर इंसिडेंट्स। मान लो किसी कल्चर में आपने सीवियर इंसिडेंट्स हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो आप, है ना। उसके बाद है फ्लोर बीटल भी एक, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे लार्वल पैरासिटोइड है, ब्रैकन बिहेबिटर है ना, एक दूसरा है फिर फ्लोर बीटल है, फ्लोर बीटल में क्या है, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, फ्लोर बीटल क्या है, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, तो गेट ग्रेन्स फ्री ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स पेस्ट, ठीक है, पहले तो ग्रेन्स आप ले रहे हो फ्री ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स पेस्ट से फ्री होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टरलाइज ग्रेन्स एंड ट्रेस एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, जब आप वो कर रहे हो स्टरलाइजेशन कर रहे हो ग्रेन्स का भी और ट्रे का भी, 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है, जैसे हमने बताया कि 8 घंटे के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे करो ऐसे, या फिर या 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए बोला है इन्होंने ट्राइबोलियम कास्टेनियम के लिए। और दूसरी तीसरी बात क्या है कि टाइटली कवर द टब्स को टाइटली कवर करो ताकि बीटल अंदर ना घुस के, कलेक्ट बीटल्स बाय प्रेसिंग थिक पेपर इन टब्स, है ना, कोई थिक पेपर भी रख दो आप टब के अंदर जिससे वो बीटल वहाँ पे आ जाए, ठीक है, उससे मतलब उठा सकते हो आप, कलेक्ट कर सकते हो। सेटअप 4 वाट्स UV लैम्प ओवर येलो पैन विद वाटर, ठीक है, एंड यूज़ फ्लोर ट्रैप टू अट्रैक्ट बीटल्स, तो अलग अलग ट्रैप लगाने, तो ठीक है, आपने कोई खास बात नहीं, ब्रैकोन इनहिबिटर रखो और ट्राइबोलियम कास्टेनियम, इसके साथ स्टरलाइजेशन वगैरह, जो ट्राइबोलियम कास्टेनियम है ये क्या है, फ्लोर बीटल है, ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, तो इससे वैसे भी ग्रेन आपको पहले ही स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से बचा के वो उससे साफ़ होनी चाहिए पहले ही। माइक्रोबियल पैथोजेंस भी आ जाते हैं कई बार, जैसे टू चेक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्लैक कलर्ड लार्वे हो जाते हैं, जैसे ट्रीट द कल्चर विद स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट हमने बताया है, टू चेक फंगस ग्रोथ स्प्रे कल्चर विद 0.1% फॉर्मलिन, देखो 0.1% एफ था जो, ठीक है, वो फंगस ग्रोथ के लिए है, फॉर्मलिन फंगस के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है 0.05% वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए था। अब रिजेक्ट वायरल इन्फेक्टेड ट्रेज इमीडिएटली टू चेक स्प्रेड, वायरल डिजीज आए तो आप क्या करो उसको फेंक के मारो उसको,
ठीक है, रिजेक्ट कर दो उसको टोटली। ठीक है, एक माइट है पाई मोटिस वेंट्री कोसिस, पाई मोट्स वेंट्री कोसिस। देखो अब नाम कैसे है, माइट है पाई मोटिस, ठीक है मोटी है, मिली थी मोटी, पाई मोटी कि मन तो पाई है भाई, कहाँ से पाई है, कहाँ से मिली है, कहाँ से पाई है, पाई मोटिस वेंट्री कोसिस। ठीक है, तो वेंट्री कोसिस हमें मिली है तो कोस रही है, अब कोस रही है अस, ठीक है वेंट्री कोसिस, तो पाई मोटिस हमें तो मोटी मिली थी तो अब हमें कोस कोस के पतली होगी, ठीक है वेंट्री लंबी होगी, वेंट्री वर्टिकल होगी, वेंट्री कोसिस पाई मोटस वेंट्री कोसिस। इसके लिए क्या करोगे, अप्लाई वेटेबल सल्फ़र, ठीक है सल्फ़र डाल रहे हैं ना माइट के लिए हमने बोला था उसका नाम भी आ गया ये पाई मोटिस वेंट्री कोसिस, उसके लिए हमने ये स्प्रे भी कर दिया था, हमने 5 ग्राम डाल दिया था पर टब के हिसाब से, और टाइटली कवर द टब्स, कीप लेबोरेटरी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्केल्स। ठीक है, डस्ट और स्केल से बचा कर रखो, स्केल्स क्या है, स्केल से बचाने के लिए क्या करो, वेयरिंग फेस मास्क, ठीक है फेस मास्क रखो यार स्केल से, और प्रोविजन ऑफ एग्जॉस्ट फैन इन लेबोरेटरी, क्या उनके स्केल्स उड़ते रहते हैं ना, ठीक है कुछ नहीं है बॉडी पे स्केल होते हैं ना मौत के, ठीक है वो है, तो मास्क को ढक के रखो। ठीक है, उसके बाद प्राइस प्रोसीजर फॉर ट्राइकोग्रामा रियरिंग, अब आ गया मेन कि ट्राइकोग्रामा, सर आपने राइस मोथ ले लिए उसके अंडे ले लिए, ठीक है राइस मोथ का रियरिंग कर दी, उन्होंने अंडे भी दे दिए आपने, वो सब कर लिया, उन्होंने प्रोटेक्ट भी कर रखे हैं आपने, तो अपना अल्टीमेट एम तो था ट्राइकोग्रामा रियरिंग का। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहली बात एग गार्ड मेथड है, पहली बात तो कि ये एग गार्ड है उसके थ्रू, पहला क्या है पुट फ्रेश एंड क्लीन एग्स इन राइस मोथ, पुट फ्रेश एंड क्लीन एग्स ऑफ राइस मोथ इन पेट्री डिश, देखो पेट्री डिश ले लो यार सीधी सी बात है, उसके अंदर क्या करो फ्रेश और क्लीन एग्स जो आपने लिए थे वो डाल दो राइस मोथ के, पेट्री डिश में डाल दिए, अब उनको स्टरलाइज कर दो एग्स ऑफ बाय यूवी 30 यूवी लाइट 30 वॉट्स 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फॉर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के लिए भाई साहब 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब 15 सेंटीमीटर कुछ होता हो उसमें 15 सेंटीमीटर दूर रखो यूवी लाइट, ठीक है यूवी लाइट मतलब 30 वाट तक की, चलो आपने डाल दिया, पेस्ट गम अकेशिया ओवर ए कार्ड, तो आप देखो कार्ड के ऊपर ये तो सारे किसके अंदर थे पैट्री डिश के अंदर, आपने एग डाल के उनको स्टरलाइज कर दिया, ठीक है उसके बाद अब एक कार्ड लो उस पर गम लगा दो, गम अकेशिया यार सीधी बात क्या होती है किक्कर की गम है, ठीक है गम अकेशिया ओवर कार्ड डेट कैन फिट इनसाइड द जार, तो कार्ड लो, कार्ड का साइज़ देख लो 15 से 7.5 है भाई ये भी पूछ लेते हैं 15, फिर उसका आधा कर दो, ठीक है 15 से 7.5 सेंटीमीटर, तो एक स्केल आता है ना यार देखो नॉर्मल स्केल आता है जो वो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है और उसकी चौड़ाई कितनी है उसकी आधा कर दो, वो चौड़ाई है उसकी, ठीक है पोर यूवी ट्रीटेड राइस मोथ एग्स ओवर द ग्लू, अब देखो आपने कार्ड ले लिया उस पर ग्लू लगा दी तो उस पर राइस मोथ के एग डाल दो सीधी बात है, फिर शेक ऑफ द एक्स जो फालतू का है उसको हिला दो थोड़ा कार्ड को, जो चिपके वो ठीक है बाकी उनको हटा दो, राइट द डेट्स ऑन द कार्ड एंड प्लेस इट इन टू द जार, एक जार ले लो अब जार के अंदर आप एग्स को रख लो, इंट्रोड्यूस द ए स्ट्रिप ऑफ ट्राइकोग्रामा पैरासिटाइज्ड एग्स, ठीक है अब स्ट्रिप लो ट्राइकोग्राम पैरासिटाइज्ड एग्स इन टू जार इन 6:1 होस्ट पैरासिटॉइड रेशियो, ठीक है अब देखो अब ट्राइकोग्रामा के आपके पास एक कार्ड थे आपने जो पहले ही लेके आए थे आप, उनको जार के अंदर रखो, ठीक है अब 6:1 होना चाहिए भाई साहब होस्ट और पैरास्टॉइड का, अब होस्ट क्या है, होस्ट है यहाँ पे ये एग के मोथ राइस के मोथ मतलब वो छेक अड़ उसके, और पैरासिटॉइड जो ट्राइकोग्राम है उसका एक कार्ड रखो 6 कार्ड उनके रखो, मतलब खाना 6 कार्ड हो गए होस्ट, ठीक है अब राइस मोथ होस्ट है, ठीक है एक्सपोज द जार्स टू यूनिफॉर्म कोल्ड लाइट एंड अलाउ, तो अब देखो ठंडी लाइट चाहिए उसको यार गर्म गर्म कुछ नहीं चाहिए, अब उसको आराम से अगर वो पता चिलोनी से ना चिल है तो थोड़ा ठंडा मौसम रखो कोल्ड लाइट रखो, अलाउ ट्राइकोग्रामा टू पैरासिटाइज द एग मोथ एग्स फॉर 24 आवर्स, अब उसको उनको करने दो पैरासिटाइज्ड, ठीक है अब क्या करेंगे वो ट्राइकोग्रामा वो 24 घंटे के अंदर उसको एग मोथ एग्स है उनको पैरासिटाइज कर देंगे, फिर पैरासिटाइड एग्स आर टर्न कैबिल टर्न ब्लैक आफ्टर 4 डेज, देखो आपको लाइफ साइकिल पता है ना हफ्ते में अंदर पूरी करनी है, ठीक है वो क्या करेंगे एग उनके अंदर ही देंगे
प्राइस मौत के, फिर 4 दिन के अंदर अंदर वो काले हो जाएंगे। फिर कार्गो स्टोर दीज कार्ड्स एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 डेज। अब आप स्टोर कर सकते हैं उनको 10 डिग्री सेल्सियस पर 15 दिन के लिए। मेंटेन द टेम्परेचर इन द ट्रैकोग्राम रियरिंग रूम एट 26 ± 2 डिग्री सेल्सियस एंड 70 ± 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो आप मेंटेन भी कर सकते हो ट्रैकोग्राम रूम, वो रियरिंग रूम है ठीक है, जिसमें आपको रियरिंग करनी है ठीक है, उसमें आप 26 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो वो रख सकते हो अगर आपको रियरिंग करनी है ना। वो कार्ड को स्टोर कर सकते हो 15 दिन के लिए ठीक है, और 70 डिग्री सेल्सियस और रियरिंग के लिए दूसरा क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए ठीक है। अब देखो क्वालिटी कंट्रोल फॉर मास रियर्ड ट्रैकोग्रामा, इसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे, तो कुछ रिकॉर्ड करो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द हार्वेस्टेड ट्रैकोग्रामा। आप हार्वेस्ट कर रहे हो ना ट्रैकोग्रामा को, उसको स्टोर करो कैसे, परसेंट पैरासिटिज्म देखो, नंबर ऑफ ब्लैक सैक्स इन टू एक्स बाय टोटल अकाउंट्स, कैसे चेक कर सकते हो पैरासिटिज्म कितना हुआ के सर, नंबर ऑफ ब्लैक सैक्स परसेंटेज निकालते हैं ना ठीक है, तो कितने परसेंट हुआ भाई साहब, नंबर ऑफ ब्लैक सैक्स कितने आए, टोटल एग कितने थे वो नीचे होने चाहिए, इनटू 100 कर दो। परसेंट एमरजेंस क्या होता है, मतलब कितने मेल्स और फीमेल्स एमर्ज हुए बाय टोटल एग सैंपल कितने थे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेक्स रेशियो कितना है, टोटल मेल रेशियो टोटल फीमेल से ठीक है, सेक्स रेशियो होता है। फिर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है, एडल्ट कितना होना चाहिए एमरजेंस, 80-85% एडल्ट निकलेगा, और एग पैरासिटी एडल्ट तो एमरजेंस होंगे, और स्टैंडर्ड है ये पैरामीटर, मतलब आपका जो टोटल परसेंट एमरजेंस पड़ी थी ना, ये होनी चाहिए 80-85% 80 ± 5 मतलब परसेंटेज, और जो एग पैरासिटीज है मैंने 90% 90 ± 5 तो 90% ये होंगे, तभी ये 85% होंगे 80% होंगे ठीक है। और सेक्स रेशियो कितना होना चाहिए, 1.5 to 1.5 फीमेल पर मेल, तो एक मतलब डेड फीमेल होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए ठीक है, रेशियो बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑन ऑफ द प्रोडक्ट एडजस्ट एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ ट्रैकोग्रामा डैट शुड बी रिलीज्ड पर यूनिट एरिया। अब देखो उसके हिसाब से प्रोडक्ट कैसा आपका ठीक, उसके हिसाब से कितनी देख लो कितना आप किसको कितने एरिया के हिसाब से रिलीज करना है ठीक है। तो हमने रियरिंग भी कर ली सर, ब्लैक का एग अंडे वो काले हो गए, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे आपने 15 दिन के लिए स्टोर भी कर लिया। अगर आपको रियरिंग करनी है तो आप फर्दर रियरिंग कर सकते हैं उसको 26 डिग्री सेल्सियस पे ठीक है। तो आप प्रिपरेशन ऑफ ट्रैकोग्रामा फॉर शिपमेंट एंड फील्ड रिलीज, अब आपको प्रिपेयर करना है कि आपको रिलीज करने हैं हाँ। प्लेस 5 डेज ओल्ड ट्रैकोग्रामा पैरासिटाइड कार्ड्स इन मतलब एंड सेंड दिस कार्ड्स टू फील्ड इन एन इंसुलेटेड कूल बॉक्स टू अवॉइड किलिंग ऑफ पैरासिटॉइड बाय हीट और डायरेक्ट सन, नॉट यूज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिस्टेंट रिलीज एरियाज। सीधी बात है यार, आप कार्ड थे जो देखो आपने देखा ना 4 दिन के बाद वो ब्लैक हो गए थे, तो 5-5 दिन पुराने कार्ड हैं जो भी पैरासिटाइज्ड कार्ड्स हैं, क्योंकि आपको पता है हफ्ते के अंदर तो इनकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट हो जाती है ठीक है, तो फिर वो मर्ज करने लग जाएंगे। अब 5 दिन जो पुराने हैं उनको एक एनवलप में रखो और फील्ड पे ले जाओ यार ठीक है, ठंडे बॉक्स में, ताकि वो मरे ना ठीक है। अब देखो एग लार्वल पैरासिटॉइड चिलोनिस ब्लैकबर्गी कैमरोन ब्रैकोनिडी फैमिली है हेमिनोप्टेरा ऑर्डर है ठीक है, ये देखो इसका एग लार्वल पैरासिटॉइड है सर ठीक है, बड़े हुए ऐसे हो जाती है। प्रोसीजर फॉर रियरिंग, अगर आपको रियरिंग करनी है उसका भी प्रोसीजर बता रखा है। एग लार्वा पैरासिटॉइड ऑफ लेपिडोप्टेरस इन पेस्ट्स, तो आगे कह रहा है कि देखो अब अलग अलग स्पीसीज़ की बात करें कि उनको कैसे रियरिंग करें। अब हमने ट्रैकोग्रामा तो कर लिया ना ठीक है, ट्रैकोग्रामा कर लिया, अब ऐसे ही जैसे चिलोनस है ना, उसको उसकी रियरिंग कैसे करते हैं है ना, और उसके बाद जैसे ब्रैकोन है उसकी रियरिंग कैसे करते हैं, पैरास्टॉइड है ये लार्वल पैरास्टॉइड है और ये एग लार्वल पैरास्टॉइड है चिलोनस ठीक है, चिलोनस एग लार्वल पैरास्टॉइड, ये याद कर लो अभी तो, कि जो एग लार्वल पैरास्टॉइड है वो चिलोनस है, तो चील है ना ये बैठा रहता है एग लार्वा तक है ना, और ब्रैकन है ये लार्वल पैरास्टॉइड है ठीक है, तो ब्रैकन लार्वा उसके इसकी भी रियरिंग के बारे में बता रखा है। फिर प्यूपल का पैरासिटॉइड कौन सा है, टेट्रास्टिक्स
इसराइली एम, ठीक है। तो चार स्टिचेस, तो ये देखो ये प्यूपा है, इसने क्या करके चारों तरफ से स्टिच कर दिया इसको, टेट्रा स्टिचेस इसराइली, इसराइली टेक्निक है ये समझ लो, टेट्रा स्टिचेस इसराइली है ना। इसकी भी रेयरिंग कैसे करनी है। फिर एक निम्फल एडल्ट पैरासाइट है, ये देखो निम्फ है ये और एडल्ट भी है, उसके ऊपर भी पैरासाइट, उसका भी पैरासाइट है ये एपिरिकानिया मिलानोलिका, मिलानो लुका, ठीक है एपिरिकानिया मिलानो लुका, ठीक है। तो ये एपी मतलब इज्जत देता है, आप भी एपिरिकानिया, ठीक है एप एपिरिकानिया, ठीक है एपिरिकानिया, तो एपिरिकानिया निम्फल और एडल्ट की ऐप आप आ गया ना, जहाँ पे ऐप आ गया, ऐप आ गया आप आ गया, ठीक है वहाँ पे निम्फल और एडल्ट बड़े बड़े हो गए, इनको इज्जत दे के बात कर गया एपिरिकानिया मिलानोलिका, इसकी भी रेयरिंग के बात कर रखी है। बस डैट्स ऑल, थैंक यू।